हेलो स्टूडेंट्स, सो यार आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वारी जा रही थी रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो क्या सारा सीन है सीओ राजस्थान का और एडमिशन के रिगार्डिंग सारे के सारे आज अपन अपडेट जानने वाले हैं। बिकॉज यार अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो जितने भी पहले जो हमारी सीओईटी होती थी इसको जो कंडक्ट करता था, क्योंकि जो डीयू बीएचयू वगैरह का तो अलग होता था और एक सीओईटी का एक टेस्ट होता था जिसको हम सीयू सीईटी बोलते थे, उसको जो पूरे को जो कंडक्ट करता था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ही था। ठीक है, अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो यार डिसीजन जीएफटीआई और इसका जो प्लेसमेंट है, चाहे इसका जो एनवायरमेंटल हो चाहे इसको कल्चर हो, राजस्थान की एक खूबसूरत जगह अजमेर के अंदर यह सिचुएटेड है, पुष्कर के पास किशनगढ़ के अंदर। क्या आपने नाम तो सुना ही होगा इसका। अगर अपन यार यहाँ के यूजी के कोर्सेज की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर। इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है, बेसिकली आपको जो एडमिशन है वो एक तो सीयूईटी के बेस पे मिलता है, देन दूसरा जो है जेईई मेन के बेस पे जोसा एंड सीएसएबी के काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। ओके, तो जो है सीयूईटी के थ्रू आपको जस्ट लाइक बीटेक में नहीं मिलता और जो बाकी सारे कोर्सेज है उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर अपन बात करें यार इसकी, तो इसमें जो है आप सीयूईटी के थ्रू अदर जितने भी कोर्सेज हो गए उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यार आप बायोकेमिस्ट्री में ले सकते हो, बायोकेमिस्ट्री जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी ले सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टेटिक्स यार काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है बेसिकली। स्टेटिक्स किसको बोलते हैं यार, स्टेटिक्स के अंदर क्या आता है ना, जो भी हमारी जो क्वांटम जस्ट लाइक कोडिंग वगैरह आती है, ठीक है, जो भी डेटाबेस सेंटर वगैरह होते हैं वो स्टेटिक्स के अंदर आता है। ओके, उसके बाद हमारा केमिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया। तो ये जो है सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज है, तो आप उनमें भी ले सकते हो। जैसे कि आप सीयूईटी के बेसिस पे एमएससी इन मैथमेटिक्स जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स आप बीटेक और एमटेक साथ में ही कर सकते हो। तो ये जो कॉलेज है वो बेसिकली क्या करता है, इतने साल जो भी सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी भरा जाता था, तो ये आई थिंक आपको या तो 1000 रुपीज़ लगेगा चार्जेस, या फिर ये कॉलेज क्या करता है पहले ही आपके सेमेस्टर की फीस ले लेता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फ़ीस जमा हो जाती है, अगर नहीं होता है देन आफ्टर द प्रोसेस आपका फ़ीस जो है रिफंड कर दिया जाता है। तो यार इस प्रकार से होता है। अगर अपन इसके कट ऑफ की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो यार काफ़ी जस्ट लाइक नॉर्मल कट ऑफ पे आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। जस्ट अगर आपका पेपर मान लो कि 600 का पेपर हो रहा है, देन 450 तक आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। इसके साथ ही आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं रिगार्डिंग द सीयूईटी एडमिशंस। ओके गाइस, तो यार इस प्रकार से जो है एडमिशन कंडक्ट किया जाता है स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगर यार अगर मैं एवरेज आपको यहाँ का सीनेरियो बताऊँ तो काफ़ी अच्छा माहौल है। अगर आप एडमिशन लेते हैं देन आपको रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं होगा, मतलब एकदम लश्करी माहौल, आपको फाट वादियाँ, ठीक है, जस्ट लाइक हरियाली वगैरह भी माहौल आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो जस्ट यू कैन अडोप्ट नाउ दिस टाइप ऑफ कल्चर। ओके गाइस, ठीक है, और भी आपकी कोई क्वारी जो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं बात करूँ यार एडमिशन पोर्टल की इसके, तो आपको जस्ट 18 सितंबर के बाद जो इसका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही एडमिशन पोर्टल स्टार्ट होता है मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। सो यार तुम्हारे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, ज़रूर से सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, ठीक है, और भी आपको किस कॉलेज के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक क्वारी है कि भैया हमको यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यार जस्ट आप यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, होनर्स हो गया, बीटेक वगैरह कोर्सेज तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही हैं। यहाँ पे जो आप सीयूईटी के बेसिस पे बीटेक को छोड़ के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, एंड कुछ जो भी जस्ट लाइक पीएचडी वगैरह उसके लिए जीआरएफ वगैरह के अलग अलग एग्जाम लगते हैं। लेकिन आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे एटलीस्ट 150 लाइक करते हैं देन मैं इसकी वेबसाइट का फुल डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो यार इतना तो कर ही सकते हो, 150 लाइक अगर आप लोग कर देते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कर पाओगे, बहुत कंजूस लोग हो आप लोग, करते नहीं हो बिल्कुल, ठीक है। अगर आप लोग कर देते हो देन जैसे ही कंप्लीट करते हो उसके आधे घंटे के बाद मैं शूटिंग स्टार्ट कर दूंगा, पक्का गारंटी है।
ठीक है, तो जस्ट लाइक यू कैन, ठीक है गाइस। और इसके रिगार्डिंग यार आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे एडमिशन लेते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, आपको बस लो मार्क्स आए, तो इस बेसिस पे हमारे यहाँ पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसकी जो डिटेल है वो व्हाट्सएप पे ले सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, दिस इज एन पेड प्लान, लेकिन आपका एडमिशन वगैरह सारा का सारा जो सीन है वो हमारी टीम कंप्लीट कर देती है। ठीक है गाइस, थैंक यू।